तो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम कंपैरिजन करेंगे Xiaomi के Mi 10i, OnePlus के Note एंड Moto के G5G का। तो गाइस, ये तीनों स्मार्टफोन आपको अंडर 30,000 की प्राइस के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं और तीनों स्मार्टफोन्स में आपको 5G का इनबिल्ट पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अंडर 30,000 रुपीज़ में आपको कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि आप अपने वाले अपडेट को मिस ना करें। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन्स की प्राइस की। तो Xiaomi का जो Mi 10i है, ये तीन वेरिएंट के साथ इंडिया में लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको जो बेस वेरिएंट है वो 6GB रैम 64GB का मिलता है, जिसकी प्राइस आपको 21,000 रुपये मिलती है। और जो सेकंड वेरिएंट है उसमें आपको 6GB की रैम 128GB स्टोरेज मिलती है, जिसकी प्राइस आपको 22,000 रुपये देखने के लिए मिल जाती है। और उसके साथ ही जो हायर वेरिएंट है, जिसमें आपको 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज मिलती है, उसकी प्राइस आपको 24,000 रुपये देखने के लिए मिल जाती है। जो Moto का G5G है, ये भी 21,000 से स्टार्ट होता है, बट इसमें आपको 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। और उसके साथ ही जो OnePlus का Note है, वो तीन वेरिएंट के साथ आता है। जो बेस वेरिएंट है वो 6GB रैम 64GB वाला है, जो आपको अभी स्टॉक में देखने के लिए नहीं मिलेगा, और इसकी प्राइस आपको 25,000 रुपये देखने के लिए मिल जाती है। और उसके साथ ही जिसमें आपको सेकंड वेरिएंट मिलता है, वो 8GB रैम 128GB वाला है, जिसकी प्राइस आपको 28,000 रुपये मिलती है। और जो हायर वेरिएंट है, जिसमें आपको 12GB की रैम 256GB की स्टोरेज मिलती है, उसकी प्राइस आपको 30,000 रुपये देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें तो प्राइस आपको Xiaomi के Mi 10i की बेस्ट देखने के लिए मिल जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई बैंक ऑफर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे आप कम कीमत में स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। तो उसके अगर हम बात करें तीनों स्मार्टफोन्स का डिटेल कंपैरिजन, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस, जो Moto का G5G एंड जो Xiaomi का Mi 10i है, ये दोनों ही सिंगल पंच होल डिस्प्ले के डिज़ाइन के साथ आते हैं, जबकि जो OnePlus का Note है, उसमें आपको डुअल पंच होल वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको फ्रंट वाली साइड दो कैमरास मिलेंगे OnePlus के Note में, जबकि जो Mi 10i एंड Moto का G5G है, इन दोनों में ही आपको एक सिंगल पंच होल वाली डिस्प्ले मिलेगी। तो आपको जो कैमरा होगा फ्रंट वाली साइड, वो सिर्फ एक देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद बात करें तीनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले के साइज की, तो Xiaomi का जो Mi 10i है, इसमें आपको 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस पर डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पर आपको 120Hz पर डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसमें आपको 450 nits पर पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है Xiaomi के Mi 10i में। और उसके साथ ही जो इसका पैनल है, इसमें आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, और Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। जो Moto का G5G है, इसमें आपको 6.7 इंचेस की एक LTPS वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जहां पर आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन देखने के लिए मिल जाता है। तो क्या जो LTPS है, वो आपको एक IPS LCD पैनल ही देखने के लिए मिल जाता है Moto के G5G में। और उसके साथ ही जो OnePlus का Note है, इसमें आपको 6.44 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पर आपके एक AMOLED पैनल देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें आपको 90Hz पर डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट मिलते हैं, और Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो पहले नंबर पर जो डिस्प्ले आपको अच्छी मिलेगी, वो OnePlus के Note में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले का साइज़ है, वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और आपको AMOLED पैनल के साथ साथ 90Hz पर डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट भी मिल जाते हैं। सेकंड नंबर पर आपको Mi 10i की डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, और जो सबसे लास्ट में आपको जो डिस्प्ले है, वो Moto के G5G के देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको कोई भी हाई रिफ्रेश रेट देखने के लिए नहीं मिलते, और उसके साथ ही इसमें आपको कोई भी प्रोटेक्शन देखने के लिए नहीं मिलता डिस्प्ले पर। उसके बाद हम बात करें तीनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर की, तो जो Moto का G5G और जो Mi 10i है, ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको स्नैपड्रैगन के 750G वाले प्रोसेसर के साथ मिलते हैं, और ये जो प्रोसेसर है, वो 8nm टेक्नोलॉजी पर बने हुए हैं। यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस होगी, वो दोनों में सेम ही देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर हम बात करें OnePlus के Note की, तो वहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 765G वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो आपको काफी ज्यादा पावरफुल देखने के लिए मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस आपको तीनों स्मार्टफोन में काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। और जो Mi 10i है, इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, IP53 की स्प्लैश प्रूफ रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, IR सेंसर मिल जाता है। और अगर हम बात करें OnePlus के Note की, तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है, और भी आपको यहाँ पर कई तरह के फीचर्स मिल जाते हैं, और सिंगल स्पीकर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और जो Moto का G5G है, इसमें आपको IP52 की रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, और इसमें आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर OnePlus का Note और जो Mi 10
आई है, इन दोनों में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसे हम एडिशनल फीचर्स भी कह सकते हैं। तो जो एडिशनल फीचर्स के मामले में हम देखें तो मी 10 आई में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। जो वन प्लस का नोड है इसमें आपको कोई भी रेटिंग देखने के लिए नहीं मिलती, तो मेरे ख्याल से जो आपको एडिशनल फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं वो मी 10 आई में देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तीनों स्मार्टफोन्स के कैमरास की, तो मी 10 आई में आपको 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, जहाँ पर आपको सैमसंग का HM2 वाला सेंसर मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, और उसके साथ ही इसमें आपको 22 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो सेंसर मिल जाते हैं। और उसके साथ ही Xiaomi ने इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया है, जिससे आप काफी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। OnePlus के नोड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का आपको इसमें रियर कैमरा मिलता है, जहां पर आपको Sony का IMX586 का सेंसर मिल जाता है, और इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, और इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो सेंसर मिल जाता है, और 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट वाली साइड आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है, और उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। जो 32 मेगापिक्सल का है वहां पर आपको सोनी का IMX616 वाला सेंसर मिल जाता है, तो आप काफी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। और जो मोटो का G5G है इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है। और ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिससे आप काफी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। तो फ्रंट कैमरा के मामले में आपको OnePlus का नोड काफी अच्छा मिल जाता है, और जो Xiaomi का Mi 10 आई है इसमें भी आपको कैमरास अच्छे मिल जाते हैं, बट फर्स्ट नंबर पर मैं रखूंगा OnePlus का नोड, और सेकंड नंबर पर मैं रखूंगा कैमरास के मामले में Mi 10 आई, और थर्ड नंबर पर मोटो का G5G। तो उसके बाद बात करें तीनों स्मार्टफोन्स के बैटरी एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, तो Mi 10 आई में आपको 4820 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसमें आपको 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। मोटो के G5G में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसमें आपको 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। OnePlus के नोड में आपको 4115 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसमें आपको 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, और तीनों स्मार्टफोन में आपको USB टाइप सी का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जो बैटरी अच्छी मिलेगी, जो बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलेगा, वो OnePlus के नोड में अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो मोटो का G5G और जो Mi 10 आई है ये काफ़ी बड़ी डिस्प्ले के साथ आते हैं, तो जितनी बड़ी डिस्प्ले होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो बैटरी होगी वो कंज्यूम होगी। तो मेरे ख्याल से जो बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलेगा वो OnePlus के नोड में मिलेगा। अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करूँ, फर्स्ट पोजीशन आपको Mi 10 आई में देखने के लिए मिलेगी, और जो थर्ड पोजीशन पर होगा वो मोटो का G5G होगा। तो बस मोटो के G5G में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और सिर्फ 20 वोल्ट का चार्जर मिलता है, तो यहाँ पर चार्जिंग आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने के लिए मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो फास्ट चार्जिंग आपको अच्छी मिलती है वो Mi 10 आई में मिलती है, और OnePlus के नोड में देखने के लिए मिलती है। तो बैटरी के मामले में Mi 10 आई और OnePlus का नोड अच्छा रहेगा। और उसके बाद बात करें बाकी के फीचर्स की, तो तीनों स्मार्टफोन में आपको Android 10 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। OnePlus के नोड में आपको लेटेस्ट Android का अपडेट जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा, जो Android 11 होगा, और जो Motorola का G5G है इसमें भी आपको Android 11 का सपोर्ट जल्दी मिल जाएगा। और जो Xiaomi का Mi 10 आई होगा ये 2021 में लॉन्च हुआ है, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पर Android 10 का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर Xiaomi को Android 11 देना चाहिए था Mi 10 आई में, बट यहाँ पर इन्होंने Android 10 का सपोर्ट दिया है। तो मेरे ख्याल से जो आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा Android 11 का वो OnePlus के नोड में मिलेगा, और उसके बाद मोटो के G5G में मिलेगा, और सबसे लास्ट में आपको Mi 10 आई में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर Mi 10 आई सॉफ्टवेयर के मामले में आपको ठीक ठाक सा देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो आप मोटो के G5G और OnePlus के नोड को दोनों में से किसी एक को देख सकते हो। अगर हम देखें कि कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है, मेरे ख्याल से अगर आपको एक AMOLED पैनल चाहिए, बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए, कैमरास भी ठीक चाहिए, तो आप OnePlus के नोड के साथ जा सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है और आपको Android एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। बट OnePlus का जो बेस वेरिएंट है वो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो सेकंड वेरिएंट है वही देखने के लिए मिलता है, जिसकी प्राइस आपको 28,000 रुपये मिलती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका बजट थोड़ा कम है, 22 से लेकर 23,000 के बीच है, तो आप मोटो के G5G को स्किप कर Mi 10 आई को परचेज कर सकते हो। तो बस ये था कुछ कंपैरिजन Xiaomi के Mi 10 आई, OnePlus के नोड एंड Motorola के G5G का। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका कौन सा स्मार्टफोन फेवरेट है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल को दबा दीजिए, ताकि अपन वाले अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।